देश में कोरोना वायरस की तीजी लहर की संभावना वच्चे लोकोनी बेदरकारी जोता केन्द्र कड़क शब्दों में चेतवनी आपी छे। स्वास्थ्य मंत्रालय संयुक्त सचिव लव अग्रवाले जणाव्यु कि आने हवामान विभाग की आगाही न समझो। वधुमां तेमणे एम कह्युं कि लोको हळवाशथी लईने हवामान अलर्ट समझी रह्या छे, पण जो नियमो नहीं पाळीए तो गंभीर परिणाम भोगववा पड़शे। स्वास्थ्य मंत्रालये जणाव्युं कि दुनियाना अनेक देशोमां त्राटकी चूकी छे त्रीजी लहेर, त्यारे जो नियमो नहीं पाळ्या तो भारतमां त्रीजी लहेरथी गंभीर स्थिति सर्जाई शके। स्वास्थ्य मंत्रालये कह्युं कि लोको त्रीजी लहेरनी गंभीरता अने जवाबदारीओने समझी नथी रह्या अने तेना ज कारणे परिस्थिति फरी गंभीर बने तेवी पूरी शक्यता छे। आ उपरांत नीति आयोगना सभ्य डॉक्टर वी के पॉले कोरोना नियमों ने लई करवामां आवी रहेल बेदरकारी पर देशवासियों ने चेतवनी आपता कह्युं कि दुनियाभर में कोरोना की तीजी लहर आवी चुकी छे। देश में स्थिति पैदा न थाय ए माटे सौए ध्यान राखवानी जरूर छे। देशना अनेक हिस्साओं में कोरोना नियमों नुं उल्लंघन करता लोको जोवा मळे छे। आ स्थिति आगळ गंभीर परिणामों आपी शके छे। जब हम थर्ड वेव की बात करते हैं तो हम थर्ड वेव को मौसम के समाचार की तरह से, वेदर अपडेट की तरह से सामान्य रूप में ले रहे हैं। हम उसकी गंभीरता और उससे संबंधित अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को शायद जिस स्थाई पर समझने की जरूरत है वहां पर कुछ चूक हो रही है। यह मॉनसून की बारिशों से आने से पहले कहीं हम घूमने चले जाएं या ऐसा कोई सिंपल आचरण नहीं है, बल्कि वायरस वर्सेज ह्यूमन बींग, इसके बीच चलने वाली कंटिन्यूस लड़ाई है। इसलिए जरूरी है कि हम सब यह समझें कि थर्ड वेव प्रकृति से ज्यादा हमारी प्रवृत्ति पर डिपेंड करेगी, यानी कि जरूरी है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर या उसका फॉलो ना करें उसके बेसिस पर कौन सी वेव आएगी, कितनी इंटेंसिटी से आएगी, उस पर डिपेंड करेगी।